नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। यातायात नियमों का पालन करने वाले वाहन स्वामियों को यातायात पुलिस ने फूल भेंट कर उनका उत्साहवर्धन किया, तो वहीं नियम तोड़ने वालों को यातायात नियमों का पाठ पढ़ाया तथा बिना किसी कार्यवाही के उन्हें चेतावनी देकर छोड़ा गया। इस दौरान सड़क पर यातायात पुलिस देख वाहन स्वामियों में हड़कंप मचा रहा। दरअसल नवागत यातायात ASP अनित कुमार के नेतृत्व में आज जजी चौराहे पर यातायात नियमों का पालन करने वाले वाहन स्वामियों को उत्साहवर्धन करने के लिए अभियान चलाया गया। इस दौरान ASP अनित कुमार ने सड़क पर हेलमेट लगाकर दो पहिया वाहन चलाने वाले स्वामियों को रोककर उन्हें फूल भेंट किया तथा उनका उत्साहवर्धन किया। तो वहीं अभियान के दौरान बिना हेलमेट व बिना मास्क के वाहन चालकों को यातायात नियमों का पाठ पढ़ाया तथा आगे नियमों का पालन न करने पर कार्यवाही की चेतावनी देकर जाने दिया। जजी चौराहे पर यातायात पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान के दौरान दो पहिया वाहन स्वामियों में हड़कंप मचा रहा। फिर दोबारा यातायात चालान करा गए हैं, पालन कराया जा रहा है, किस तरीके से कराया जा रहा है दोबारा और क्या नई प्रक्रिया आई है? आज फिर से लोगों से अपील की जा रही है, वो लोग यातायात नियमों का पालन कर रहे हैं, जो हेलमेट लगा के चल रहे हैं, सीट बेल्ट लगा के चल रहे हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए हम लोग फूल दे रहे हैं, गुलाब का एक फूल भेंट में दे रहे हैं। और जो लोग पालन नहीं कर रहे हैं उनको आज फिर चालान न करके उनको अपील की जा रही है, उनको वार्निंग दी जा रही है कि आप यातायात नियमों का पालन करें। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। जनता में सुरक्षा की भावना व अपराधियों में खौफ को लेकर पुलिस ने नगर के मुख्य मार्गों सहित गली मोहल्लों में फ्लैग मार्च निकाला। पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च के दौरान सड़कों पर बिना मास्क के घूमते लोग दाएं बाएं होते नजर आए। हल्दौर थाना प्रभारी जीत सिंह के नेतृत्व में झालू चौकी प्रभारी अजय शर्मा ने भारी पुलिस बल के साथ नहटौर रोड, मोहल्ला नसीरियान, जोशियान, पेट्रोल पंप, झालू तिराहा, मेन बाजार, रामलीला, अजय चौक सहित सार्वजनिक स्थानों पर जनता में सुरक्षा की भावना व अपराधियों में खौफ पैदा करने को लेकर पैदल मार्च निकाला, जिसके चलते बिना मास्क लगाने वाले लोग दाएं बाएं खिसकते नजर आए। इस दौरान हल्दौर थाना प्रभारी जीत सिंह ने जनता से आह्वान किया कि वह किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को देखते हैं तो तुरंत उसकी सूचना पुलिस को दें। उन्होंने कहा कि किसी को शांति भंग नहीं करने दी जाएगी, यदि कोई अफवाह फैलाता है उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। वहीं झालू चौकी इंचार्ज अजय शर्मा का कहना है कि यदि किसी भी पीड़ित को परेशानी है तो वह सीधे संपर्क करे, उसको न्याय दिलाने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि घर से निकलते वक्त मास्क का प्रयोग अवश्य करें तथा टू व्हीलर पर हेलमेट लगाकर चलें, क्योंकि सावधानी से ही बचा जा सकता है। हमें अपने साथ साथ दूसरों के जीवन का भी ख्याल रखना चाहिए। हम तो जनता में सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए हम पैदल मार्च कर रहे हैं, बाकी किसी एक्टिविटी पब्लिक में दिखाई दे उसका सुरक्षा का माहौल पैदा हो, इसीलिए हम लोग कर रहे हैं। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। थाना कोतवाली देहात में SP ग्रामीण संजय कुमार ने अर्धवार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान छोटी मोटी खामियों के साथ सभी व्यवस्थाएं ठीक पाई गई। निरीक्षण के दौरान थाने में बने कुछ आवास जर्जर अवस्था में खड़े पाए गए। उन्होंने तुरंत थाना प्रभारी को आदेशित किया कि वह जर्जर अवस्था में रह रहे पुलिस कर्मियों को नोटिस देकर जल्द से जल्द आवासों को खाली कराएं और साथ ही प्रांगण में जितने भी पुराने वाहन खड़े हैं उनकी नीलामी कराई जाए। पर्यावरण को लेकर SP ग्रामीण ने बताया कि थाना परिसर में साफ सफाई की अच्छी व्यवस्था है। थाना प्रभारी मनोज कुमार को SP ग्रामीण संजय कुमार ने बताया कि जो भी छोटी मोटी खामियां हैं उनको तुरंत सही कर लिया जाए। कार्यालय निरीक्षण के दौरान सभी व्यवस्थाएं ठीक पाई गई। जी सर, आज थाना कोतवाली देहात में अर्धवार्षिक निरीक्षण किया गया है, इसमें आपका क्या कहना है और क्या क्या इसमें कमी है? थाना कोतवाली देहात का अर्धवार्षिक निरीक्षण आज अर्धवार्षिक निरीक्षण किया गया। थाना परिसर में उसका रख रखाव, साफ सफाई, जो जर्जर भवन है उसके संबंध में देखा गया, माल खाने के रख रखाव उस संबंध में थाना अध्यक्ष बताया गया है उसको सुधार करें। जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, सरकारी संपत्ति है, माल उस सब का निरीक्षण किया गया। थाना परिसर की साफ सफाई संतोषजनक पाई गई है। अब देखो कि रख रखाव भी ठीक है, कुछ कमियाँ हैं जिन्हें चिन्हित किया जा रहा है, जिनके संबंध में कार्रवाई की जाएगी। जो हेड मॉडरेटर जो कर्मचारियों द्वारा जिसमें सही कार्रवाई नहीं हुई उन्हें नोटिस दिया जा रहा है, बाकी सुनता है। जैसे कि यहाँ कुछ बिल्डिंग्स है उसके बारे में क्या करना है?
जर्जर बिल्डिंगें 8 आवास हैं जो कि बिल्कुल कंडम घोषित है, जिसमें कर्मचारी रह रहे हैं। बताया गया है कि यूपी 100 के कुछ दूर रह रहे हैं 112 के। बताया गया है उन्हें नोटिस देके उसे खाली करवाएं, कभी भी बिल्डिंग गिर सकती है। मेरे द्वारा देखा है कि जनहानि होने की संभावना है, उस पर हम लोग जल्दी रिपोर्ट भेजेंगे। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। राष्ट्र सेवा और गरीब कल्याण के प्रति समर्पित देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिवस के अवसर पर सेवा सप्ताह कार्यक्रम के अंतर्गत धामपुर विधायक अशोक राणा ने प्रियंका मॉडर्न स्कूल धामपुर में दिव्यांग जनों को बैसाखी एवं अन्य कृत्रिम अंग उपकरण वितरित कर प्रधानमंत्री की दीर्घ आयु की कामना की। कार्यक्रम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क का विशेष ध्यान रखा गया। विधायक अशोक राणा ने कहा कि देश को नरेंद्र मोदी जैसा नेता मिला, जिसने लोक कल्याणकारी नीतियों से वंचित वर्ग को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा और एक मजबूत भारत की नींव रखी। दर्शकों से अपने अधिकारों से वंचित देश के गरीबों को घर, बिजली, बैंक खाता, दिव्यांगजनों को सम्मान व सहायता और शौचालय उपलब्ध कराना या उज्ज्वला योजना से गरीब माताओं के घर गैस पहुंचाकर उन्हें सम्मानपूर्ण जीवन देना, यह सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अटूट संकल्प और मजबूत इच्छा शक्ति से ही संभव हो पाया है। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर प्रियंका मॉडर्न स्कूल धामपुर में दिव्यांगजनों को बैसाखी एवं अन्य कृत्रिम अंग उपकरण वितरित किए तथा उनकी दीर्घायु की कामना की। कार्यक्रम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क का विशेष ध्यान रखा गया। एक्चुअली मैं दिल्ली गया हुआ था, परसों ही जिला अध्यक्ष का फोन मेरे पास आया था और वैसे जानकारी तो मुझे टीवी के माध्यम से हो गई थी कि ये सप्ताह जो है हम सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे हैं। तो आज का जो कार्यक्रम था वो यही था कि इसमें अपने विकलांगजनों को हम बैसाखियाँ वगैरह वितरित करेंगे और हर विधानसभा में अपने अपने स्तर पर विधायक लोग इस कार्य को कराने संपन्न कराने का काम करेंगे। तो उसी के तहत जितनी डिमांड मुझसे बताई गई उतना उपलब्ध कराया गया और स्थिति यह है कि महंगी मिल भी नहीं। मैं दिल्ली से लेकर आया क्योंकि जब सब पूरे प्रदेश में डिमांड है तो जब मिल नहीं रही है तो वो तो अच्छा था कि मैं दिल्ली था तो दिल्ली से वहां से ही लेके आ गया। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी ने जावेद को युवजन सभा के जिला अध्यक्ष मनोनीत किया। जावेद के जिला अध्यक्ष बनने पर पार्टी कार्यकर्ताओं व उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। धामपुर के मोहल्ला अफगानन में चांद अहमद के निवास पर युवजन सभा के जिला अध्यक्ष जावेद का जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वीरेंद्र कुमार रस्तोगी व कुशल संचालन पूर्व सभासद मोहम्मद अकबर ने किया। स्वागत करने वालों में समाजवादी व्यापार सभा के राष्ट्रीय सचिव वीरेंद्र रस्तोगी, नासिर अंसारी, डॉक्टर प्रीति रहमान, हाजी चांद राजा कसार, शानू सूफियान, हकीम अजहर अफजाल, डॉक्टर आशीष, अकबर दीवाना, शहजाद चांद, डॉक्टर विशाल, शमीम अहमद, आफताब अहमद, फैज प्रिंटर, फहीम अहमद ने माला पहनाकर वे एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया तथा जावेद से पार्टी द्वारा दी गई जिम्मेदारियों पर खरा उतरने की बात कही। क्या नाम है आपका? नव मनोनीत जिला अध्यक्ष समाजवादी युवजन सभा बिजनौर। आज इस शान साहब के आवास पर बड़े भाई राजश्री वीरेंद्र रस्तोगी जी और मास्टर फरीद साहब, अकबर दीवाना साहब, पूर्व नगर अध्यक्ष नासिर साहब, नासिर अंसारी साहब, सब लोगों ने आज यहाँ मेरा स्वागत किया है। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सभी धामपुर के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। समाजवादी पार्टी मिशन 2022 को लेकर हम सब लोगों ने एक मीटिंग भी की है। सब लोग मिशन 2022 की कामयाब करने के लिए हम लोग समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे और एकजुट होकर हमेशा समाजवादी पार्टी को मजबूत करेंगे। जावेद जी, समाजवादी पार्टी की सरकार में 100 बेड वाला अस्पताल धामपुर में जो है बनने जा रहा था और बनने के लिए निर्माण भी हो गया था उसमें, तो अभी भाजपा की सरकार चल रही है, इसमें क्या कुछ कहना है? हमने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरा पेमेंट कर दिया था, ठेका भी दे दिया था, काम भी हो गया है। पता नहीं योगी सरकार क्या चाहती है। हम तो कह रहे हैं कि उसे तैयार कर दो, चालू करो, नहीं तो आप काट दो, आपका नाम हो जाएगा। कहीं ना कहीं कम से कम जनता को तो फायदा पहुंचे,
बसपा सरकार में काशीराम आवास कॉलोनी बनी थी शिवहरा रोड पर, आपकी सरकार भी आई, आपने उसका नाम बदलकर लोहिया विकास आवास कॉलोनी रखा, लेकिन आपकी सरकार में वो गरीब लोगों को आवंटन नहीं हुई। अभी भाजपा की सरकार चल रही है तो भाजपा की सरकार भी गरीब लोगों को मकान आवंटित नहीं कर रही है, ये सरकार भी ऐसी ही चली जाएगी, इसमें क्या कुछ कहना है आप? सर, जहाँ तक आवास का मामला है, समाजवादी पार्टी की सरकार ने लोहिया आवास, जयेश्वर मिश्रा आवास, वो काफ़ी आवास गांव तक, शहरों तक सब लोगों को पहुँचाए, कहीं ना कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम होगी, वो तो ये बेहतर जानते हैं, चेयरमैन रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी जो हो नहीं पाएगा, मगर हम आपसे वादा करते हैं आने वाली सरकार में पूरी लड़ाई लड़ेंगे और गरीबों को आवास दिलाया जाएगा। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। गर्मी में पानी की तलाश में बस्ती में आए पाड़े हिरन को आवारा कुत्तों ने दौड़ाया। कुत्तों के हमलों से हिरन अपनी जान बचाने के लिए एक घर में जा घुसा। ग्रामीणों ने कुत्तों से हिरन की जान बचाई और वन विभाग को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंचे वन दरोगा घायल हिरन को अपने साथ ले गए। दरअसल गर्मी के चलते एक हिरन पानी की तलाश में बस्ती की ओर आ गया, जहां आवारा कुत्तों ने उसे घेर लिया। हिरन ने एक घर में घुसकर अपनी जान बचाई। आवारा कुत्तों से हिरन की जान बचाते हुए ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। मौके पर पहुंचे वन दरोगा जोगेंद्र नाथ यादव ने घायल हिरन को उपचार के लिए अपने साथ ले गए। वन दरोगा जोगेंद्र सिंह ने बताया कि घायल हिरन का पहले उपचार किया जाएगा, बाद में उसे जंगल में छोड़ दिया जाएगा। ये जो जानवर बस्ती में घुसा था, कौन सा जानवर था? ये पहाड़ की जाति का जानवर है, इसको कुत्तों ने आबादी की तरफ लाया, जिसको हम वापस चिकित्सालय ले जा करके इलाज करने के बाद उसको जंगल छोड़ दिया। जंगल छोड़ दिया ठीक। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। शहर में थाना क्षेत्र की बदहाल सड़क स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी है। बजट के अभाव में मुख्यमंत्री द्वारा सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का आदेश भी बेअसर है। शहर के थाना क्षेत्र की अधिकांश सड़क की हालत काफी खराब है। यहां कई वर्षों से लोग जर्जर सड़क पर ही आवागमन कर रहे हैं, मानो सड़क में गड्ढे नहीं बल्कि गड्ढों में सड़क बनी हो। इस रास्ते पर प्रतिदिन हजारों लोगों के साथ साथ थाने के उच्चाधिकारी का भी आवागमन रहता है, लेकिन इस सब के बावजूद सड़क गड्ढा मुक्त नहीं हुई। क्षेत्र के युवा नवील मकरानी, हैदर, सुहेल, रियासत राजा, हाजी नसीम, संदीप आदि लोगों का कहना है कि कई वर्षों पहले इस सड़क का निर्माण कराया गया था, इसके बाद से सड़क की मरम्मत तक नहीं हुई। सड़क में गहरे गहरे गड्ढे होने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो दो पहिया वाहन स्वामी गिरकर घायल भी हो गए, जिससे कुछ लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। एक सप्ताह पूर्व भी एक साइकिल सवार व्यक्ति की गड्ढे में गिरकर मौत हो गई। शहर के युवा शायर नबील मकरानी ने बताया कि इस संबंध में कई बार क्षेत्रीय विधायक, सांसद व जिलाधिकारी समेत कई उच्चाधिकारियों से शिकायत भी की गई, लेकिन इसका कोई लाभ नहीं हुआ। किसी ने भी सड़क निर्माण कराने की जहमत नहीं उठाई है। लोग जर्जर सड़क पर आवागमन करने को मजबूर हैं। बरसात के दिनों में स्थिति और भी दयनीय हो जाती है। बरसात के दिनों में तो इस मार्ग पर आवागमन ही पूरी तरह से ठप हो जाता है। शहरवासियों को धामपुर तिराहा व धामपुर जाने के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। शहर के युवा वेलफेयर सोसाइटी के सदस्यों व युवा शायर नबील मकरानी, हाजी नसीम, जिला अध्यक्ष रियासत राजा, नगर अध्यक्ष आयरा, नूरपुर गुलफाम राजा, सुहेल आदि ने जल्द से जल्द सड़क निर्माण कराने की मांग की। आज जो युवा लड़के आप यहाँ पे आए हो, क्या मकसद है आप लोगों का? हमारा मकसद ये है कि हमारा जो नूरपुर में थाना वाला रोड है, ये रोड सबसे ख़राब रोड है नूरपुर की, और हमारे सांसद और हमारे MLA और हमारे नगर पालिका का कोई भी आदमी इस रोड को नहीं देख पा रहा है। यहाँ पर इस रोड पर, थाने वाले रोड पर शहीद परवीन स्थल भी है, थाना भी है और सरकारी स्कूल भी है। तो मैं कहना चाहता हूँ अपने सभी आला सांसदों से, विधायकों से, नगर पालिका से गुजारिश है कि इस रोड को जल्द से जल्द इस रोड पर काम कराएं। आपने इससे पहले किसी आला अधिकारी के यहाँ कोई इसकी शिकायत की कि ठीक हुई? हाँ, इसकी शिकायत हमने SDM साहब से की थी कि इस रोड को जल्द से जल्द कराएं, क्योंकि इस रोड पर आला दर्जे के अधिकारी लोग आते हैं, SDM साहब, DM साहब, और यहाँ पर थाना भी है,
पुलिस महकमे के लोग इधर उधर जाते रहते हैं तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। चाहे योगी जी का कहना है कि खड्डा मुक्त हो ये, तो या तो खड्डा मुक्त हुआ ही नहीं है अभी तक, फिर इसलिए आप लोगों को ये करना पड़ा सर। हाँ बिल्कुल करना पड़ा सर। सरकार ने ये कहा था कि रोड जितने भी रोड होते हैं सब गड्ढा मुक्त कराएंगे, मगर हमारे नूरपुर में थाना रोड पर अभी कोई गड्ढा मुक्त नहीं हुआ है और न ही कोई गड्ढे भरे हुए हैं। आगे हमने देखे हैं कि कितने गड्ढे हुए पड़े हैं। अजय आपने चेयरमैन से शिकायत की? मैं तो मैसेज आप लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ, मेरा मैसेज सांसद तक भी जाए, विधायक तक भी जाए, चेयरमैन साहब तक भी जाए। आपका नाम क्या? नसीम अहमद। हाँ ये क्या है जो आप लोग आज खड़े हैं? मैं इसी मोहल्ले में रहता हूँ, मैं देखता हूँ रोड की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत बड़े बड़े खड्डे हैं इसमें। हमने यहाँ तक टू व्हीलर के लिए भी बहुत दिक्कत हो रही है, फोर व्हीलर की भी बहुत दिक्कत होती है इस जगह में। उनके व्यक्ति यहाँ पर गिरे थे खड्डे की वजह से, समझे, उनका फोन ही डेड हो गई थी यहीं से, साइकिल से गिरे, वो साइकिल से जा रहे थे, समझे, सिर्फ खड्डे की वजह से वो साइकिल गिरी और उनके दिमाग में चोट लगी, फोन डेड हो गई। नौजवानों को यहाँ एक साथ एकत्र होना, इसका क्या संदेश है? का संदेश, हम लोग तो युवा लड़के हैं जितने भी हम सब हैं, हम लोगों से बस इतना गुजारिश करते हैं इस सरकार से कि जितने भी गड्ढे रोडों में हैं प्लीज़ इन लोग को जल्दी से जल्द सर सही करवाइए, यही हम लोग का कहना है। क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पे निकलते पड़ते हैं, मैं भी खुद गाड़ी से भी आ रहा था इसके लिए, मैं खुद गिरने से बचा भी गड्ढे में से, और हालांकि अभी कुछ समय पहले भी मौत हुई है जसरम बका के नाम से दफाए, वो गड्ढे की वजह से ही मौत हुई है। कृपया आप लोग से गुजारिश है जल्द से जल्द ये चीज़ सही कराइए आप गड्ढे। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। ग्राम हरेवली में बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन पर बड़ापुर भाजपा मंडल अध्यक्ष विजय सिंह चौहान ने अपने पदाधिकारियों के साथ सफाई अभियान चलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी उम्र की कामना की। थाना शेरकोट क्षेत्र के ग्राम हरेवली में बुधवार की सुबह भाजपा मंडल अध्यक्ष विजय सिंह चौहान ने अपने पदाधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन पर सफाई अभियान चलाया तथा उनकी दीर्घायु की कामना की। इस दौरान उन्होंने क्षेत्रवासियों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना महामारी के मद्देनजर सभी सोशल डिस्टेंसिंग व सरकार की गाइडलाइन का पालन करें ताकि कोरोना जैसी महामारी को हराया जा सके। उन्होंने सभी से सफाई पर विशेष ध्यान रखने की बात कही। इस मौके पर हरेवली प्रधान उदय सिंह, किसान मोर्चा उपाध्यक्ष हेमपाल सिंह गुर्जर, मंडल मंत्री मोहन सिंह, बूथ अध्यक्ष कल्याण सिंह, सुशील पाल, डॉक्टर राकेश आदि तमाम लोग उपस्थित रहे। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा विजय सिंह, मंडल अध्यक्ष बढ़ापुर। ये जो सफाई अभियान का कार्य चल रहा है, ये किसको लेकर के, मतलब आप सफाई कर रहे हो? कल 17 तारीख को मोदी जी का जन्मदिन था, मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। घर में पड़े वेस्ट मटेरियल को उपयोगी बनाने के तरीके सिखाकर युवती द्वारा YouTube पर 1,00,000 दर्शक जोड़ने पर YouTube की ओर से गिफ्ट भेजकर उत्साहवर्धन किया। YouTube से गिफ्ट मिलने पर परिजनों में खुशी की लहर दौड़ गई। नगर के मोहल्ला किला निवासी रईस बाबू की बेटी सहरीन फातिमा ने यूट्यूब पर अपने चैनल आर्ट आइडियाज के माध्यम से घर की बेकार पड़ी वस्तुओं से हैंडमेड क्राफ्ट बनाना सिखाकर अपने 1,00,000 सब्सक्राइबर का माइलस्टोन प्राप्त करने पर यूट्यूब ने अमेरिका से 1,00,000 सब्सक्राइबर पर सिल्वर प्ले बटन अवार्ड भेजकर प्रोत्साहित किया, जिससे घर में खुशी की लहर दौड़ गई तथा बधाई देने वालों का तांता लग गया। नाम आपका? मेरा नाम शहरीन फातिमा। अच्छा, बताएं जरा आज आपने क्या कार्यक्रम की खुशी में रखा है? ये हमारे सिल्वर प्ले बटन की खुशी में लिया है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे यहाँ इतना सपोर्ट की वजह से आप सभी का 1,00,000 सब्सक्राइब कंप्लीट हो चुके हैं जी। और उसकी खुशी में हमने ये प्रोग्राम किया है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ये कब मिला आपको? ये मुझे 7 तारीख को मिला है। अच्छा, तो ये बताओ आपके माइंड में ये चीज़ कब आई कि मैं मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए, या क्या सोचकर आपने इस कार्य को शुरू किया था? मुझे बचपन से काफ़ी शौक था कि मुझे मटेरियल, मतलब ये घर के जो वेस्ट जो होते हैं मटेरियल, उनको कुछ अलग ही लुक देना, और मुझे बहुत अच्छा लगता है डेकोरेशन, या हम डेकोरेशन करते हैं DIY। और मैंने MA ड्राइंग से किया है और लास्ट ईयर है उस
का। तो अब तक आपने कितने आइटम बना दिए होंगे? ये मैंने 160 से ज्यादा वीडियो है। कितनी वीडियो हो गई? 160 से ज्यादा वीडियो है इसी चीज की। अच्छा, ये कितने समय में हो गई? ये 2 ईयर में, मतलब 2 ईयर से कम में हुई है। तो जरा सा आप अपना नाम बताएं उस चीज का जिस पर आप भेज रहे हैं, जो चैनल आपने बना रखा है।